फ्रेंड्स, मैं हूं नीरा और आज हम बताएंगे आपको प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स। आप जब प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। देखिए, पीरियड्स का मिस हो जाना प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण माना जाता है, लेकिन पीरियड्स मिस होने से पहले भी आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जब कोई भी लड़की के पीरियड्स मिस हो जाते हैं, ये सभी को पता है कि पीरियड्स का मिस हो जाना प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगा सकती हैं। देखिए, होता क्या है, जब कोई किसी भी लेडी जब आप इंटीमेट होती हैं, आप अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं, इंटीमेट हुई हैं, तो आपको कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स फील होने शुरू हो जाएंगे। अब उसमें क्या है, आपको ये ध्यान देना होगा। अगर जैसे आप कोई फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उनको पता नहीं चल पाता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा, अगर आप इंटीमेट हुई हैं या आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं या आप कंसीव नहीं भी करना है, तो हो सकता है अगर आप कंसीव कर लेंगे तो आपको टाइम पे पता चल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हर लेडीज में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हर लेडीज में होते ही हैं प्रेगनेंसी टाइम पर। तो जो आपको मैं बता रही हूँ कि आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आना, तो ये जो है आपको हर लेडीज में होता है, ऐसा नहीं है किसी एक लेडीज को ही होता है। तो आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, आपके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा भारीपन फील होता है, आपके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन फील होता है आप टच करती हैं तो ये प्रेगनेंसी का सबसे शुरुआती लक्षण है, ब्रेस्ट में चेंजेस होना। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा सिम्टम है जो हर लेडीज में होता है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, आपको बार बार यूरिन जैसा फील होता है। तीसरा सबसे बड़ा सिम्टम होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, आपको पीरियड डेट से पहले, 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको स्पॉटिंग हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड डेट निकल जाती है, उसके 2-3 दिन बाद भी आपको स्पॉटिंग होती है। हर किसी को ये अलग अलग टाइम पर होती है, बट होती है ज्यादातर। जिसमें क्या होता है, देखिए, आपको पिंकिश कलर की स्पॉटिंग होगी, उसमें आपको क्लोट्स नहीं आते हैं और आपको पैड की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पेट या कमर में कोई दर्द नहीं होता है, तो आप आसानी से पहचान सकती है कि आपको इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हुई, यानी कि प्रेगनेंसी वाली आपको ब्लीडिंग हुई है। तो बहुत सी जो लेडीज होती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि पीरियड्स वाली ब्लीडिंग है या फिर आपकी प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग है। तो पीरियड्स और प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग अलग अलग होती हैं, जो कि मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। पीरियड्स में आपको क्लोट्स आते हैं, रेगुलर ब्लीडिंग होती है, पैड की जरूरत पड़ती है, आपके पेट या कमर में भी दर्द होता है और इसका कलर अलग होता है, डार्क कलर होता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उसका कलर पिंकिश कलर होता है, उसमें कोई क्लोट्स नहीं आते हैं, रेगुलर ब्लीडिंग नहीं होती है, स्पॉट हल्के हल्के आते हैं, 1 से 2 दिन रह सकता है, और इसके अलावा इसमें आपको कोई पेट में या कमर में दर्द नहीं होता है। तो आप आसानी से पहचान सकती हैं कि ये पीरियड वाली ब्लीडिंग है या प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग है। अब तीसरा, चौथा जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो है मूड स्विंग्स। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। इसके अलावा आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा है नोज़िया। देखिए, ये हर लेडीज़ में अलग अलग टाइम पर होता है, किसी लेडीज़ को सबसे शुरुआती दिनों में ही हो जाता है, किसी लेडीज़ को बहुत टाइम के बाद नोज़िया फील होता है, मतलब वोमिटिंग जैसा फील होता है, किसी चीज़ की खुशबू बहुत गंदी लगती है और किसी चीज़ की स्मेल जो है वो बहुत अच्छी लगती है प्रेगनेंसी टाइम पर। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी टाइम पर फील होती हैं। इसके अलावा सभी को पता है कि पीरियड्स का मिस हो जाना प्रेगनेंसी का लक्षण है, लेकिन इसके अलावा भी आपका जो क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कंसीव कर लेती हैं, तो कंसीव करने पर आपका जो है वो कमर में कोई दर्द नहीं होता है। जैसे बहुत सारी लड़कियों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम पीरियड्स भी नहीं हुए हैं और कमर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है प्रेगनेंसी टाइम पर, कमर दर्द का कोई सीन लेना देना नहीं है। तो जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं, ये सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं, आपके यूरिन का कलर थोड़ा चेंज हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आपको सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर लगाएं। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट का आपको ध्यान होना चाहिए, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि जिस दिन भी आपको पीरियड आता है, किसी को जिस भी डेट में आता है, तो उस डेट में आपको पीरियड नहीं आएगा, आपको क्या करना है, 5 दिन का वेट करना है। 5 दिन का वेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआती दिनों में एक हार्मोन होता है आपके अंदर, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। ये हार्मोन शुरुआती दिनों में इतना कम होता है कि आपका जो किट है वो किट रिजल्ट जो दे सकती है वो नेगेटिव दे सकती है, क्योंकि जो किट होती है वो आपको HCG को ही डिटेक्ट करती है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो आपको 5 दिन का वेट करना है, 5 दिन के बाद ही। मान लीजिए अगर 5 तारीख को आपको पीरियड आता है तो आपको 10 के बाद ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से लगाएं, जो आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं, 2 से 3 ड्रॉप उसमें डालनी है आपको किट में,
और उसमें आपको 2 मिनट का देख 2 मिनट बाद देखना है, अगर 2 पिंक लाइन आ रही है तो इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट है। 1 पिंक लाइन आ रही है तो इसका मतलब है आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। तो आप आसानी से घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं, अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।